हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपकी फ्रेंड संजना साइमन आपके सवाल का जवाब देने के लिए आ चुकी है। आज संडे है, मैं फ्री हूँ, अभी चर्च से आई हूँ। आज ये साड़ी पहनी है, नेट की है और इसमें ऐसे एम्ब्रॉयडरी भी है, खूबसूरत सी साड़ी है। फोटोग्राफ्स जरूर से शो करूँगी साड़ी के साथ के। तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और मैं एक सवाल का जवाब लेके आई हूँ, मेरे से मेरी एक फ्रेंड ने पूछा है थ्रू बाय लाइक यू नो यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में। उन्होंने पूछा था कि ऑर्कैटमी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ और ऑर्कैटमी के क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है, इसके बारे में बात करूँ। बेशक से मैं ऑर्कैटमी के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन एक ये शॉर्ट वीडियो जस्ट आपकी डिमांड के लिए। तो ऑर्कैटमी एक प्रकार का सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कि एमटीएफ मेल टू फीमेल जर्नी वाले ट्रांस वुमेन यू नो केसेस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपके यू नो आपके टेस्टिस में कट करते हैं और आपके टेस्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। और आपके बॉडी से जब वो टेस्टिकल्स और टेस्टिस रिमूव हो जाते हैं तो आपकी बॉडी से मेल हार्मोन्स प्रोडक्शन हाउस जो है वो ठप हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। यानी कि आपके बॉडी में वो ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं जहाँ पे कि मेल हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन्स बन सके, तो वो उसका सप्लाई आपके बॉडी में रुक जाता है, उसका यू नो वो जनरेट नहीं होते हैं, वो कोई असर नहीं करते हैं। तो आपकी बॉडी जो होती है वो वहीं पर रुक जाती है और के बदले में डॉक्टर जब आपको फीमेल हार्मोन्स देते हैं तो आपकी बॉडी में वो बहुत खूबसूरत असर करते हैं। अगर आपने ऑर्कैटमी नहीं करवाई है तो आपको मेडिसिंस लेनी पड़ती हैं अपने मेल हार्मोन्स को यू नो डाउन करने के लिए, और आपको इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने का एक तरीका है कि आप ऑर्कैटमी करवाइए। ये वन टाइम एक प्रोसीजर है जिसमें कि आपकी बॉडी में एक माइनर कट लगता है, आपको जस्ट वन डे के लिए हॉस्पिटल में रहना होता है अंडर यू नो एक्सपर्ट सुपरविज़न। और अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप उसी दिन घर भी वापस लौट सकते हैं अपने। और ऑर्कैटमी करवाने से फ़ायदा यही है कि आपके एक बार पैसा खर्च होगा लेकिन आपका मेडिसिंस का सारा पैसा बचेगा। आपको ज़्यादा मेडिसिंस नहीं खानी है तो आपका किडनी लीवर सब सेफ है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उस मेडिसिन को पचाने के लिए। और जितनी कम मेडिसिन उतनी अच्छी आपकी हेल्थ भी रहेगी, ये तो एक जग जाहिर बात है। और सेकेंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब प्रोडक्शन पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा बॉडी में, तब वो प्रोडक्शन हाउस को पूरा निकाल के बाहर फेंक देंगे। यानी आपके लोअर बॉडी में जो पाउच है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उस पे से जब वो बॉल्स हट जाती हैं तो आपकी बॉडी में आपका मेल हार्मोन्स बनना ही बंद हो जाता है। तो सिर्फ फीमेल हार्मोन्स की एक पिल आपको फेमिनिटी की तरफ बहुत ईजीली लेके जाती है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है वो ये है कि एक वन टाइम सर्जरी है और ये नॉन रिवर्सिबल सर्जरी है, इसका कोई भी रिवर्स नहीं है। अगर आपने करवा लिया और फिर आप बाद में पछता रहे, आपको रिग्रेट हो रहा है, तो कुछ भी कर लीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर लेके आ जाइए, आप उस पार्ट को दोबारा नहीं पा सकते हैं। और आपके सेक्स ड्राइव में भी आपको बहुत कमी नज़र आएगी, आपका सेक्स इंटरेस्ट जो है वो मोर इंटू लव हो जाएगा देन सेक्स, आपको वो सेक्स की फीलिंग कम और आप इमोशनली ज़्यादा फेमिनिन बन रहे हैं, ये बात का सिंबल होगा। आपका सेक्स ड्राइव, आपका लिबिडो बहुत डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और एक बार हो जाए तो दोबारा फिर इसका कोई भी इलाज नहीं है, तो ये बहुत सोच समझ के करवाने वाली सर्जरी है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, इसके अलावा कोई और ड्रॉबैक इस सर्जरी का नहीं है। इसलिए अगर आपने आप मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको बिल्कुल ये रिकॉग्नाइज हो चुका है कि आप एक ट्रांस वूमेन है, आप एक गलत बॉडी में ट्रैप्ड है और आपको इससे निजात चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आप ऑर्कैटमी का सहारा ले सकते हैं अगर आप एचआरटी में है तो। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए, आप कौन है मेरे को नाम नहीं पता आपका, आप प्लीज़ इस वीडियो में रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं आप एक कमेंट को पिन कर सकूँ और मालूम चल सके किसने मुझसे सवाल पूछा था। इसी शब्द के साथ में मैं अपने वीडियो से विराम लेती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शंस की ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखें ताकि मुझे और वीडियोस बनाने में मज़ा आए। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर से बताइएगा, ये बरेली का झुमका कैसा लग रहा है बताइएगा। ओके, बाय, टेक केयर।